फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। प्रदेश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बुआ भतीजे की सरकार ने अपने घर को भरकर प्रदेश में अंधेरा कर दिया है। भाजपा नीत सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और भी ज्यादा चरम पर था। प्रदेश की योगी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में जनता की कसौटी पर खरा उतरने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और इस नीति के विरुद्ध जो भी आएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में मिलावटी तेल के खेल को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है और इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जहां तक अपराध का विषय है तो संगठित अपराध की कमर टूट चुकी है और अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं या फिर ऊपर। प्रदेश ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान यहां सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब थे। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। सड़कों की हालत दयनीय थी। स्वास्थ्य सेवा, राशन वितरण आदि का बुरा हाल था। परेशान जनता को कहीं भी सुनवाई का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए ही बदलाव आया और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा नीत सरकार ने प्रदेश को अव्वल स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। केंद्र और प्रदेश सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ग्रामीणों को शौचालय, घर घर बिजली का कनेक्शन आदि इसके उदाहरण बन चुके हैं। अदालत से आगे तो हम लोग नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सरकार ने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया। शर्मा जी, आपके पास सरकार ने संरक्षण भी जो उनको मिलता है, मेरा निवेदन सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया। SIT का यहाँ गठन हुआ, SIT उसको इन्वेस्टिगेट करा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की और इस पूरे प्रकरण को बिल्कुल अंत तक ले जाना। इसमें कौन कल्प्रेट है, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें जो कल्प्रेट है वो बचेगा, लेकिन कोई बेगुनाह फंसेगा नहीं। इस पर जीरो टॉलरेंस है सरकार, बहुत स्पष्टता है। 70,000 लीटर मिट्टी का तेल भी कम है सर, कोई भी कोई कितने बड़े से बड़ा कोई क्यों नहीं। मुजफ्फरनगर में तो नाले सर सैंपल नहीं हुआ उसका, 15 दिन हो गए हैं वो ऐसे ही डंप पड़ा है। DM लगातार लिख रहे हैं, SSP बना दिए हैं, SIT को भी कहा है जी कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपके ऊपर भी SIT बनेगी। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात करें? मेरी बात हो चुकी है। अगर हम जो SIT है उसकी रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं हुए तो SIT पर भी SIT बनेगी, इसलिए बचने वाला कोई नहीं है। जो भी कोई गलत काम करेगा, जो जनता के साथ धोखा देगा, जनता को चीट करेगा, प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। विभागों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही ई-टेंडर की व्यवस्था लागू की गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बसपा की सरकार ने तो चलती हुई चीनी मिलों को ही बेच दिया था या फिर उन्हें बंद करा दिया था और अब इन बंद पड़ी मिलों को चालू कराया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मेरठ की स्वच्छ छवि बने इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। स्वच्छता अभियान पर भी बेहद जोर दिया जाने लगा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिलावटी तेल और तेल की कालाबाजारी के मामले को स्वयं मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे हैं। तेल माफिया किसी भी दशा में नहीं बचेंगे। सरकार की नीति साफ है, जो दोषी है वो नहीं बचेगा और जो निर्दोष है वो नहीं फंसेगा। इस मुद्दे पर स्वयं मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और इसकी जांच के लिए SIT भी गठित कर दी गई है। जनहित से जुड़े इस मामले में यदि SIT भी किसी के प्रभाव में आकर रिपोर्ट देगी तो उस पर भी SIT बैठ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।